हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मार्च फोर्थ वीक, एक हमारी जो सीरीज चल रही है वीकली करंट अफेयर की, इसमें मार्च फोर्थ वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे छपने के चांस है, मतलब जैसे कि वैसे क्वेश्चन, या इससे जुड़े हुए जितने भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा वो एग्जाम में पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, मतलब कौन सा स्थापना दिवस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है। आपको बताना है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कौन सा अपना स्थापना दिवस हाल ही में सेलिब्रेट किया है। तो देखिए, आपको ऑप्शन है 80, 83, 85 या 90। सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने 83 नंबर का अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किस ने जीता है, हु हैज़ रिसेंटली won द F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। देखो, एक कार रेस होती है, ग्रैंड प्रिक्स बोलेंगे इसको, इस साल में अलग अलग जगह आयोजित की जाती है। तो आपसे पूछ रहा है बहरीन में जो हुई है इसको किसने जीता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है। ऑप्शन से आपके चार्ल्स लेकर, लुइस हैमिल्टन, सेबिस्टियन वेटल और मैक्स वर्स्टप्पन। लुइस हैमिल्टन का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने जो पिछली बार हुई थी मतलब 2021 में ग्रैंड प्रिक्स का टूर्नामेंट जीता था, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स पूरे 2021 में किसने जीता था, तो लुइस हैमिल्टन ने। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो इसका सही जवाब बनेगा चार्ल्स लेकलर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022 स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा रहता है। जब भी स्पोर्ट्स सेक्शन से आपसे क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है। ऑप्शन से आपके विराट कोहली, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा और PR श्रीजेश। सही जवाब आपको देना है कि किसको हाल ही में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, यह अवार्ड दिया गया नीरज चोपड़ा को, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, भाला फेंक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, भाला फेंक दिवस इसी दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। और कितने मीटर फेंका था तो सभी को बताऊंगा, 87.58 मीटर का इन्होंने फेंका था। और इस बार इनको स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आपको नाम याद रखना है नीरज चोपड़ा। PR श्रीजेश की बात करूँ तो इनको ये हॉकी टीम के गोलकीपर जिन्होंने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार बर्डी मुखामेदो राष्ट्रपति किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, बर्डी मुखामेदो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। तो देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान है, सभी को पता है, वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान में इमरान खान है जिनकी सरकार गिरने वाली है। तो दो ऑप्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। आपसे पूछा है कि बर्डी मुखामेदो कहाँ के है, देखिए इसका सही जवाब बनेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के हाल ही में राष्ट्रपति बने बर्डी मुखामेदो को, हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया तुर्कमेनिस्तान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम याद रखना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिए, कौन सा अभ्यास, तो लामितिए 2022 शुरू किया गया। कौन सा देश है जिसके साथ लामितिए सैन्य अभ्यास होता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितिए, नाम याद रखना, लामितिए 2022 हैज़ बिन स्टार्टेड विथ विच कंट्री। आपको बताना कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने लामितिए शुरू किया। ऑप्शन से आपके सेसेल्स, मालदीव, बांग्लादेश या सिंगापुर। सही जवाब आपको बताना है कि किसके साथ हाल ही में लामितिए 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई। देखिए, इसका सही जवाब बनेगा सेसेल्स। हाल ही में सेसेल्स के साथ लामितिए एक्सरसाइज होती है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लामितिए एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की गई, तो आपको याद रखना है ये अरब सागर में आयोजित की गई। और किसके बीच होती है, तो सेसेल्स और इंडिया, सेसेल्स और भारत के बीच ही आयोजित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एडवाइजरी बोर्ड में किस अर्थशास्त्री को, किस इकोनॉमिस्ट को शामिल किया गया है भारतीय मूल के। आपको सही जवाब देना है। आपके ऑप्शन से कौशिक बसु, अरविंद पनगड़िया, जयती घोष और रोहिणी पांडे। देखिए, एक बात आपको याद रखना है
अरविंद पनगड़िया योजना सॉरी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, अगर आपसे पूछेंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा यूनाइटेड नेशंस में कौन अभी एडवाइजर बोर्ड में शामिल हुआ है, तो जयती घोष, आपको नाम याद रखना है जयती घोष। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की जो एडवाइजरी बोर्ड है, सलाहकार बोर्ड है, उसमें शामिल हुए ये भारतीय इकोनॉमिस्ट जयती घोष। और अरविंद पनगड़िया के बारे में पूछेंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर डोल उत्सव या डोल यात्रा भी बोलते हैं इसको, डोल यात्रा कहाँ पर आयोजित किया गया या कहाँ पर मनाया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डोल उत्सव या डोल यात्रा हाल ही में कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। तेलंगाना का एक बथुकम्मा फेस्टिवल आपको याद रखना है, बथुकम्मा बहुत बार एग्जाम इसके बारे में पूछता है बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देना आपको डोल उत्सव या डोल यात्रा, देखिए इसका सही जवाब बनेगा पश्चिम बंगाल। डोल उत्सव या डोल यात्रा एक पश्चिम बंगाल का त्यौहार है, हाल ही में कहाँ पर मनाया गया, पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डेज सेलिब्रेट ऑन, किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च, आपको सही जवाब देना है। डे से एक क्वेश्चन है कि किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, सही जवाब आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा 23 मार्च, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया। मेट्रोलॉजिकल डे पूछेगा तो 23 मार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल, मतलब कार्बन को न्यूट्रल करना मतलब बिल्कुल रिड्यूस करना, फार्मिंग मेथड्स, ऐसी मेथड जिसके तहत कार्बन का यूज बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए, ऐसा कार्बन तटस्थ खेती स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कार्बन न्यूट्रल खेती स्टार्ट किया। कार्बन न्यूट्रल खेती की जब भी बात करेंगे तो आपको याद रखना है तमिलनाडु ने हाल ही में कार्बन न्यूट्रल खेती स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व नंबर वन महिला टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है, कौन सी ऐसी प्लेयर है जो नंबर वन रैंक पे थी और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, ये बहुत फेमस नाम है, सेरेना विलियम्स का आपने सुना होगा, अमेरिका की रहने वाली एशले बाल्टी, स्टेफनी ग्राफ या मारिया शारापोवा, किसने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, ऐसा कौन सा प्लेयर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो अपकमिंग एग्जाम है इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बताना है किस टेनिस प्लेयर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा एशले बाल्टी। एशले बाल्टी विश्व की नंबर एक प्लेयर थी और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। कहाँ की रहने वाली आपसे पूछेंगे एशले बाल्टी, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और ये विश्व की नंबर एक प्लेयर। कितने ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते, तो आपको याद रखना 3। हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और उसके बाद फिर इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, तो एशले बाल्टी नाम याद रखना है और किस देश की है, तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एबल पुरस्कार, मैथ्स की फील्ड में एक पुरस्कार दिया जाता है एबल पुरस्कार, हाल ही में किसको दिया गया है, हु हैज़ बीन गिवन द एबल प्राइज 2020 2022 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन से आपके लुइस नीरेनबर्ग, लॉर्जो लोआस, डेनिस पार्लेन सुलिवन और करेन उलहनबेक, किसको ये एबल पुरस्कार दिया गया। पहला तो आपको याद रखना है एबल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाएगा अगर आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि मैथ्स में दिया जाता है, मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार 2022 में किसको दिया गया है, तो आपको नाम याद रखना है डेनिस पार्लेन सुलिवन को एबल प्राइज 2022 दिया गया। किस फील्ड में दिया जाता है, तो मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट कौन बने, ऐसे पैरा एथलीट कौन है जिसको हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु, सुमित अंतिल, सुंदर सीगुरजर और देवेंद्र झाझड़ी, आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए, पैरा एथलीट कौन है जिसको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। सही जवाब आपको बताना है कि किसको हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया एक पैरा एथलीट है जिनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इन्होंने 2004 के 2016 और 2020 तीनों ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल्स जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के वाद्यंत्र नरसिंह पेट्टई नागवस्वरम को GI टैग मिला है, आपको बताना है कि किस राज्य का है ये
नरसिंह पेट्टई नागस्वर्म को जीआई टैग दिया गया है। नाम याद रखना है, नरसिंह पेट्टई नागस्वर्म, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और यह है क्या, तो एक वाद्य यंत्र, मतलब म्यूजिक या एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सितार और सरोदी ये सब होता है। तो आपको बताना नरसिंह नागस्वर्म किस राज्य का है जिसको हाल ही में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग से बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो जीआई टैग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे डेस इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, वैसे जीआई टैग भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको बताना है कि जीआई टैग मिला है नरसिंह पेट्टई नागस्वर्म को, ये किस स्टेट का है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है नरसिंह पेट्टई नागस्वर्म, और इसको हाल ही में क्या दिया गया है, तो जीआई टैग प्राप्त हुआ है इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक जल्द ही जारी की जाएंगी, ये किसके द्वारा लिखी हुई है। ये बुक से क्वेश्चन है, बुक ऐसा टॉपिक है जो रैंडम आता है, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे बैंकिंग का हो, पीसीएस का हो, और इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और कभी भी करंट की बुक ज़्यादा पूछता है आजकल। तो आपको बताना है कि ये अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखित है, जो जल्द ही जारी की जाएंगी। आपको बताना है कि जो अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है आपके ऋचा मिश्रा, चेतन भगत, अमृता प्रीतम और झुंपा लाहड़ी, किनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बुक का नाम याद रखना अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। देखिए इसका सही जवाब बनेगा ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा के द्वारा अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज स्टोरी लिखी गई है। ऋचा मिश्रा, आपको नाम याद रखना, ऋचा मिश्रा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल मरुस्थल मतलब पाक वाटर स्ट्रेट पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है। पाक जल मरुस्थल श्रीलंका और इंडिया के बीच, आपको याद रखना श्रीलंका और इंडिया के बीच जो बीच में पैसेज बनता है वाटर का, उसको बोलते हैं पाक जल मरुस्थल। तो ये किसके द्वारा, मड मरुस्थल किसके द्वारा ये तैरकर पार किया गया है। ऑप्शन है आपके भक्ति शर्मा, आरती शाह, माना पटेल और जी आर राय। आपको बताना है कि पाक जल मरुस्थल को सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार किसने किया है। देखिए लगभग 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 28 किलोमीटर का, और इसको जी आर राय ने सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार किया है। सबसे तेज महिला तैराक है वो, और सबसे कम उम्र में जिन्होंने पाक जल मरुस्थल, आपको नाम भी याद रखना है, पाक जल मरुस्थल को पार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द अर्बन अनबॉर्न चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब जो पैदा नहीं हुए, जिनके भ्रूण में हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दिन अजन्मे बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा 25 मार्च को। 25 मार्च को अजन्मे बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब जिसके भ्रूण में हत्या हो गई या किसी कारण से भ्रूण में मृत्यु हो गई, तो उनके लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 25 मार्च को मनाया जाता है। 25 मार्च को इंपॉर्टेंट बनेगा, डेट से जब भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन सुपर लीग 2022, इंडियन सुपर लीग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये एग्जाम के लिए। इंडियन सुपर लीग 2022 में केरल ब्लास्टर्स को हराकर अपनी पहली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। कौन सी ऐसी टीम है जिसने फाइनल में किसको हराया, केरल ब्लास्टर्स को हराया है और पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है। हु डिफिटेड केरला ब्लास्टर्स टू विन देयर मेडन ट्रॉफी इन द इंडियन सुपर लीग 2020। इंडियन सुपर लीग में फाइनल में किसको हराया, तो केरला ब्लास्टर्स को, और किस टीम ने पहली बार ये ट्रॉफी जीता है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को हराया। किसको, तो केरला ब्लास्टर्स। जीता किसने है, तो हैदराबाद एफसी ने फर्स्ट टाइम जीता है। तो आपको नाम याद रखना हैदराबाद एफसी ने पहली बार यह ट्रॉफी जीती है, और फाइनल में किसको हराया, तो केरला ब्लास्टर्स। किस कौन से गेम की, तो आपको याद रखना है फुटबॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजकर, जैसे अभी एबल प्राइज था वैसे प्रिजकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन, किस देश के व्यक्ति को मिला है, तो अफ्रीका के व्यक्ति को मिला है, और कौन है जिन्होंने प्रिजकर प्राइज 2022 जीता। एबल पुरस्कार जैसे मैंने आपको बताया, वैसे आपको ये भी याद रखना है प्रिजकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ऑप्शन से आपके मोरनाटी, एमिलियो फ्रांसिस, केरे, इवान एलेन और लौरा क्रिमांडी। आपको सही जवाब बताना है कि किसने हाल ही में प्रिजकर प्राइज जीता है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा फ्रांसिस केरे ने प्रिजकर प्राइज 2022 जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 मतलब क्वार्टर फोर का मतलब होता है Q4 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा, भारत की रैंक क्या रही है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर मतलब तीन तीन महीने के जो
एक क्वार्टर बोलेंगे, तो जो लास्ट क्वार्टर रहा है मतलब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2021 में, कौन सी रैंक इंडिया को मिली है आपको ये बताना। क्वार्टर फोर के लिए हाउस प्राइस इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। हाउस प्राइस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक रही है आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन है 51, 55, 58 या 60, कौन सी रैंक रही है इंडिया की हाउस प्राइस इंडेक्स में। देखिए इसका सही जवाब बनेगा 51 रैंक रही है। इससे पहले जो क्वार्टर था उसमें 56 थी, मतलब क्वार्टर थ्री जो था 2021 का उसमें 56 थी, उसके बाद पांच रैंक का सुधार हुआ और कौन सी रैंक है 51, कौन सा इंडेक्स हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धाभ्यास 22 से 31 मार्च तक भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक्स डस्टिल्क, नाम याद रखना एक्स डस्टिल्क, जैसे लामितिया था सेजल्स के साथ वैसे एक्स डस्टिल्क किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन पूछेगा, नाम क्या है एक्स डस्टिल्क किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, कहाँ पर आयोजित किया गया, तीन क्वेश्चन बनता है, किसके बीच होता है, नाम क्या है और कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन से आपके रानीखेत यांग यारिक उज्बेकिस्तान, जैसलमेर राजस्थान या ताशकंद उज्बेकिस्तान, कहाँ पर ये हाल ही में ये मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा यांग यारिक उज्बेकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पिछले बार के एग्जाम में भी पूछा गया था जब रानीखेत में हुआ था आई थिंक, इस बार यांग यारिक उज्बेकिस्तान में हुआ है। एक्स डस्टिल्क नाम है और किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। यांग यारिक नाम याद रखना है, कहां पर हुआ उज्बेकिस्तान में, इंडिया में इस बार ये नहीं हुआ है, होता किसके बीच है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में IQAir 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, सभी को पता होगा वैसे ये क्वेश्चन का जवाब, सबसे प्रदूषित राजधानी हम इसमें फेमस है, तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा नई दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में कौन सी है, तो नई दिल्ली आपको याद रखना है, सबसे प्रदूषित। और सबसे स्वच्छ शहर पूछेगा तो इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर पूछेगा तो भारत में सबसे स्वच्छ शहर तो इंदौर, और विश्व में या पूरे इंडिया में सबसे प्रदूषित राजधानी या शहर भी बोलेगा तो आपको याद रखना है नई दिल्ली, नई दिल्ली की एयर में काफ़ी प्रदूषण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश निवेश के अवसर तलाशने के लिए गल्फ निवेश समिट 2022 आयोजित करेगा या शुरू किया है। गल्फ निवेश समिट आपको याद रखना बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में आपसे ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे। गल्फ निवेश समिट 2022 कहां पर शुरू किया जाएगा, कौन से स्टेट में गल्फ निवेश समिट 2022 स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन से आपके जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान। देखिए इसका सही जवाब बनेगा दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश गल्फ निवेश समिट 2022 स्टार्ट करेगा, शुरू करने वाला है। आपको नाम याद रखना है दिल्ली में गल्फ निवेश समिट 2022 स्टार्ट होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर और वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक के द्वारा सह लेखक बुक का नाम याद रखना है रिस्क एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब एक तो है नाम याद रखना आर कौशिक और इनके द्वारा दूसरा कौन सा क्रिकेटर है जिन्होंने मिलकर कौन सी बुक लिखी है रिस्क एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। एक पत्रकार का नाम याद रखना कौशिक बसु और दूसरे कौन से क्रिकेटर है, ऑप्शन से आपके GR विश्वनाथ, चंद्रकांत पंडित, दिलीप सरदेसाई और BS चंद्रशेखर, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिन्होंने कौशिक आर कौशिक के साथ मिलकर रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी है या अपनी आत्मकथा लिखी है अपने जीवन के बारे में लिखा है। देखिए इसका सही जवाब बनेगा GR विश्वनाथ और आर कौशिक ने मिलकर GR विश्वनाथ की जो ऑटोबायोग्राफी है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी ये बुक लिखी है या अपनी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग या TB दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना, TB डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस या TB दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आपको मैंने पहले बताया कि अजन्मे बच्चों के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, वैसे ही क्वेश्चन है क्षय रोग दिवस तो आपको याद रखना है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मारुति सुजुकी MD और CEO बनाया, मारुति सुजुकी कंपनी के MD और CEO हाल ही में किसको बनाया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ मारुति सुजुकी कंपनी का MD और CEO किसे बनाया गया। ऑप्शन से आपके अशोक भूषण, हिसासी टेकुची, विकास भारती और दिनेश पंत, टेकुची बताना है आपको। देखिए इसका सही जवाब बनेगा हिसासी टेकुची नाम याद रख लेना, याद हो जाएगा सभी को, नाम ही ऐसा थोड़ा ठीक है, टेकुची नाम याद रख लेना, आपको नाम याद हो जाएगा, सीधे साधे नाम याद समझ जाना है। मारुति सुजुकी के MD और CEO नहीं बने, हिमासी टेकुची। अगर मारुति सुजुकी की बात करूं मैं आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना ये बनाया गया था
इसका गुरुग्राम में 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अभी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बनाया कब गया था 1982 में, कहाँ पर, गुरुग्राम में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर, नई दिल्ली में। हिसासी टेकुची इसके क्या है, अभी हाल ही में MD और CEO बनाए गए हैं। नाम याद रखना है हिसासी टेकुची, उल्टा सीधा नाम है तो लगा देना, मारुति सुजुकी के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वालों के लिए, ग्रीन डिपॉजिट। सीधा क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, सीधे क्वेश्चन पूछता बैंक में, और ऐसे ही क्वेश्चन में जनरली बच्चे फंसते हैं। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है कि किस बैंक, बैंक का नाम दे देंगे और पूछेंगे कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, या प्रोग्राम का नाम देंगे और बोलेंगे किस बैंक ने लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक या कोटक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या DSB बैंक। देखिए इसका सही जवाब बनेगा DSB बैंक ऑफ इंडिया, DSB बैंक जो इंडिया का है। इसने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया। आपसे क्वेश्चन अपोजिट भी पूछ सकता है कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो लॉन्च किए, सॉरी DSB बैंक ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आपको बताना ग्रीन डिपॉजिट, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया ऐसा पूछेंगे तो DSB बैंक। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन साइट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया। इंडियन साइट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइट्रिक सोसाइटी स्टार्टेड रिसेंटली, हाल ही में कहाँ पर साइट्रिक सोसाइटी का सम्मेलन आयोजित शुरू किया गया। तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा विशाखापट्टनम में हाल ही में साइट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन स्टार्ट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उद्यान मंत्रालय, भैया ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन गए कांग्रेस से जाके, फिक्की, किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किस शहर में हाल ही में किया गया है, किसके द्वारा किया गया, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कौन है नागरिक उड्डयन मंत्री या सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी हमारे इंडिया के, कौन है, तो आपको नाम याद रखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री है, और कहाँ पर ये विंग्स इंडिया 2022 आयोजन किया गया, तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा हैदराबाद में ये आयोजन किया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विंग्स इंडिया 2022 ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है। कहाँ पर, तो हैदराबाद में ये शुरू किया गया, आपको याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, बरसामा शील्ड 2022 में भाग नहीं ले रहा है, शामिल नहीं है, आपसे पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा इस में शामिल है, देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिंगापुर और इनके साथ एक चौथा है UK, ये चारों मिल के कर रहे हैं बरसामा शील्ड 2022। ये जो एक्सरसाइज हो रही है किस किस के बीच हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिंगापुर और UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, इन चारों से मिल के हो रही है बरसामा शील्ड 2022। तो कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इंडिया इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सिंगापुर और UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम, कौन सा देश नहीं है, तो इंडिया इसमें शामिल नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कर रहे हैं, कौन से शहर में विप्लवी भारत गैलरी। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है, वहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, तो ये भी नाम याद रखना है, विक्टोरिया मेमोरियल में, और कौन सी गैलरी, विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहां पर है ये, कोलकाता में ये है। तो यहां पर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे March 4th week के, वो सारे किए, इस सेम की सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगे जितने भी हमारे वीडियो आएंगे आप उसको कंटिन्यू, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और आगे आप सारे वीडियो देख पाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।